पत्नी से परेशान एक शख्स ने कोरोना महामारी की आपदा को अवसर में बदल दिया। मध्य प्रदेश में एक प्लाईवुड कारोबारी का बेटा अपनी पत्नी से इतना परेशान हो गया था कि उसने पत्नी से दूर रहने के लिए कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बना ली। उसने कोरोना की फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट तैयार कर पत्नी को भेज दी और पत्नी से कह दिया कि वो कोविड सेंटर में भर्ती है। पूरा मामला महू के छोटी कवाल टोली थाने के पास सेंट्रल लैब का है। पुलिस के मुताबिक फरवरी 2021 में प्लाईवुड कारोबारी के बेटे एजाज अहमद की शादी हुई थी। उसकी शारीरिक कमजोरी के कारण दोनों का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण चल रहा है। इसी वजह से उसकी पत्नी से अनबन होने लगी, जिसके बाद पति पत्नी से दूर रहना चाह रहा था। इसके बाद एजाज अहमद ने 25 मई को एक फोटोशॉप ऐप डाउनलोड किया और इंदौर के सेंट्रल लैब के एक पीड़ित व्यक्ति की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट को अपने नाम से बदलकर परिवार को दिखा दिया। इससे कोरोना पॉजिटिव मानकर पत्नी और परिवार वाले उससे दूर हो गए। जब एजाज की पत्नी को शक हुआ कि वो घर पर ठीक थे और कोरोना के कोई लक्षण भी नहीं थे, एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी एजाज घर नहीं लौटा। इसके बाद पत्नी ने अपने पिता को कोरोना रिपोर्ट की जांच करने को कहा। पिता ने तुरंत सेंट्रल लैब की वेबसाइट से उसका टोल फ्री नंबर तलाशा और लैब की SRF आईडी नंबर चेक करा। लैब की तरफ से बताया गया कि कोविड रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर मरीज के नाम की जगह एजाज ने अपना नाम एडिट किया है। वह रिपोर्ट की कॉपी आने पर सेंट्रल लैब की संचालिका विनीता कोठारी ने थाने में शुक्रवार को शिकायत की। इस पर पुलिस ने एजाज के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसकी तलाशी में जुट गई है।